हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं जानवी और यह मेरा चैनल जिस पे मैं फैशन लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियो बनाती हूं, कभी कभी व्लॉग भी बनाती हूं। तो अगर आपको मेरा चैनल और मेरा कॉन्टेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज है 25 दिसंबर, तो सभी लोगों को मैरी क्रिसमस। तो आज मैंने सोचा मैं व्लॉग शूट कर लेती हूं, क्योंकि थोड़ी सी हम लोग पार्टी भी करने वाले, छोटी सी पार्टी करने वाले हैं आज हम लोग घर पे ही। ऐसा जितना कुछ बड़ा नहीं करने वाले, पर हाँ करने वाले हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग भी शूट कर लेती हूँ। क्या हो रहा है, सुबह हो चुकी है, चाय नाश्ता हो गया है, तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ मैं। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है, नहा के मुझे अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाना है बहुत ज्यादा। अभी जा रही हूँ सबसे पहले ऊपर कपड़े निकालने, तो चलते हैं। मैं अभी अपने ऊपर रूम में आ गई हूँ जहाँ पे मैं कपड़े वगैरह रखती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे घर के लिए जो कपड़े होते हैं मैं वो ढूंढ लूँ कि मुझे क्या पहनना है, क्या मुझे सही लग रहा है। सोच रही हूँ अपर स्वेटर के लिए मैं कुछ अच्छा सा ही निकाल लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा फोटो वगैरह क्लिक हो सके। क्या लॉक कर दिया है क्या? तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। आज ये ऐसा फजी सा पहनूं, काफी अच्छा सा है, सॉफ्ट सा, तो मुझे लग रहा है ये घर पे काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी रहेगा, तो मैं यही पहनने वाली हूँ। ये अब ये उल्टा हो रखा है। तो ये है कपड़े, ये मैंने इनर निकाल लिए क्योंकि ये इतना ज्यादा मोटा नहीं है, काफी पतला सा है, इसलिए मैं ये टी शर्ट हो गई। ये मेरी लोअर जो मैं आज पहनने वाली हूँ, और लोअर जॉगर जो भी आप कहें, काफी मुझे क्यूट लगा और अच्छा भी लगेगा, तो ये पहनूंगी। जो ये लीव्स वगैरह लगी ये सब निकालेंगे, ताकि हम लोग एक अच्छा सा बैकग्राउंड बना सके। हमारे पास इतना बड़ा एज सच क्रिसमस ट्री नहीं है, छोटा सा ही है, पर दो है वो भी मेरे नहीं है, मेरी भतीजी के हैं, मैंने खुद तो बाय नहीं किया। मैं इतना मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ करूंगी आज, तो वही करने वाली हूँ। और थोड़ा बहुत सामान जो ये डेकोरेशन का यहाँ पे ये रखा हुआ है, ये पूरा लेके हम लोग इसी का टेबल वगैरह ऐसे लगा के थोड़ा सा अच्छा लाइट वाइट क्रिसमस ट्री अच्छा डेकोरेट करेंगे, ताकि पार्टी साफ फील आ सके। केक वगैरह हम लोगों ने भैया से मंगा लिया है खाने के लिए। आज खाने में भी घर में बहुत अच्छा कुछ बना है, क्योंकि हम लोगों ने बोला था हम लोग पार्टी करेंगे, तो भाभी ने ऐसा ही छोला और ये सब कुछ बनाया है। काफी बात करते करते मुंह में पानी आ रहा है, काफी मैंने टेस्ट तो नहीं किया, पर मैं भी नहा के पहले फटाफट वही खाने वाली हूँ। और मैं सोच रही हूँ आज मैं जो गेट रेडी विथ मी है वो भी शूट कर लेती हूँ, काफी सही रहेगा मुझे लग रहा है, देन उसके बाद आपसे मिलती हूँ रेडी होने के बाद। तो गाइस अभी मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ, और मैंने इतना सारा पसेरा फैला दिया है क्योंकि आज मैंने सोचा कि मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ, हाउ टू रोल ऑन एंड लुक क्यूट इन क्रिसमस ईव और क्रिसमस डे या क्रिसमस ईव, मुझे नहीं पता ईव किसको बोलते हैं, आई डोंट नो। तो इसलिए मैंने वीडियो शूट कर लिया और थोड़ा सा अच्छा सा क्यूट सा ही जो मैंने दिखाया था, और ये मैंने पैंट्स जॉगर्स मैंने पहन लिए हैं, और ये स्क्रंची से रबर लगा ली है, देन इस हैंड में ग्रीन पहन ली है। फुल ऑन क्रिसमस के लिए मैं रेडी हो गई हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, मैं बाहर इसलिए देख रही हूँ क्योंकि दरवाजा खुला हुआ है, देख रही हूँ सामने वाला, घर के लोग मुझे देख तो नहीं रहे इस वजह से। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे खाना खाने, तब आपसे मिलती हूँ। थोड़ा सा ब्लोअर के पास ही बैठूंगी क्योंकि आज मेरी किस्मत इतनी खराब थी, गीजर खराब हो गया और मुझे ये अंदर जाने के बाद पता चला, इसलिए मैं भाभी के वॉशरूम में भी नहीं नहा पाई और मुझे ठंडे पानी से ही नहाना पड़ा। यार इतना मुझे ठंडा लग रहा है इस टाइम। मैं जल्दी जल्दी मैंने वीडियो शूट कर ली, अभी मैं जाऊंगी फ्लोवर के पास ही मैं जाके बैठ के खाना खाने वाली हूँ। तो अभी चलते पहले नीचे खाना निकाल लेते हैं, और आज खाने में बहुत टेस्टी कुछ बना हुआ है, चलो। तो देखते हैं आज खाने में क्या क्या बना है, मैं आपको दिखा दूं। ये हाथ से नहीं खुलने वाला है। तो ये बना है रायता, पुलाव, पूड़ियां, और ये अच्छा छोला, इसमें उसमें छोला ही है। तो ये अभी गरम किया गया है, ये आटा रखा हुआ है जैसे कि कम पड़े, और ये रखा हुआ है कल बना था हमारे घर में गाजर का हलवा, तो वही बचा है, थोड़ा सा गरम किया गया है, दीदी ने मुझे बता दिया गया कि मुझे खाना है, तो मैं ये भी खाऊंगी।
तो फटाफट खाना निकाल लेती हूँ मैं। तो गाइस अभी शाम हो चुकी है, मैं सो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला खाना खाने के बाद मैं कब सो गई। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ। कहाँ गई चाय? ये मैं चाय बना रही हूँ और इसके बाद मैं अभी जो मैं बता रही थी, सुबह मेरा गीजर खराब हो गया है तो आप खटपट सुन रहे होंगे, वो गीजर ही बनाने के लिए आए हैं तो गीजर बन रहा है। फटाफट मैं चाय छान के उनको भी देना है, पापा भी हैं, पापा लोग को भी देना है, सबको देना है चाय अभी। देन उसके बाद अब हम लोग पार्टी का जो मेन डेकोरेशन हो वो सब था चाय पीने के बाद ही करूँगी, तो अभी पहले चाय दे के आती हूँ। देन उसके बाद बैठ गई हूँ अपने बेड पे चाय पीने के लिए, और ये चाय भी ला के रख लिया है, ये लेस का पैकेट पड़ा था मैं ये भी ले आई खाने के लिए। तो पीने के बाद आपसे मिलती हूँ। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हेलो। तो गाइस ये हमारी डेकोरेशन जो है होने लगी है। ये यहाँ बलून, ये ऐसे ही बैठा है ऐसे, ये बलून फूल रहे हैं, ये यहाँ पे डेकोरेशन होने वाली, इस दीवार पर हम लोग करने वाले हैं। अभी मैं लेने आई हूँ एक्स्ट्रा जो सामान मुझे डेकोर में रखना, वो यहाँ पे मैंने घुसा कर रखा है सारा, ये रखा हुआ है, इसमें लाइट्स हैं, तो इसको उठा के मैं लेके चलती हूँ और वहाँ पे डेकोरेट करते हैं। तो गाइस ये हम लोगों ने डेकोरेशन कंप्लीट कर ली है और यहाँ पे कुछ बलून लगाया है, ये हम लोगों के ये खराब हो गए थे तो ऐसे लगा दिया है दोनों साइड, और ये यहाँ पे पेड़ भी रख दिया है, और ये रेनडियर और लाइट लगा दी, इधर फ्लावर रख दिया, ये टेडी जितने भी घर में थे सारे ढूंढ ढांड के यहीं पे रख दिए गए हैं। तो हम लोग इस साइड फोटो क्लिक करवाएंगे, तो अभी चलते हैं, पहले अच्छे से ड्रेस अप होके आते हैं, मेकअप वेकअप लगा के आते हैं। तो डेकोरेशन कैसे लग रही है जरूर बताइएगा, और फटाफट रेडी हो जाते हैं, कपड़े निकाल लेते हैं जो भी पहनना है, जो थोड़े ढंग के लगे डिसेंट लगे वो, और मैं सोच रही हूँ गेट रेडी विथ में भी शूट कर लेती हूँ। तो रेडी होने के बाद मैं आपको मिलती हूँ, और क्या पहन रही हूँ वो भी दिखा दूंगी। ऋषभ भी जा रहा है मेरा कपड़े पहनने, जो हल्का सा बीमार है, अभी कपड़े पहन के तब मिलेगा। तो गाइस अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं ज़्यादा नहीं रेडी हुई, मैंने जीन्स पहन ली है और जो कपड़े पहने थे उसी के ऊपर ये लूज सा ये डाल लिया है, ताकि मुझे फटाफट मैं चेंज कर पाऊँ क्योंकि उसके बाद मुझे काम है। और तो अभी भैया केक भी ले आए हैं, तो चलते हैं पहले देखते हैं क्या सीन है यहाँ का। ऋषभ लोग भी रेडी हो रहे हैं, भाभी भी रेडी हो रही हैं और दीदी भी रेडी हो रही हैं, तो अभी पहले केक आ गया है तो उसको मैं दिखाती हूँ। तो गाइस ये हमारा केक है और इस पे भैया ने मैरी क्रिसमस भी लगा लिया है, और अब ये केक हम लोग यहाँ पे रखेंगे, देन केक कटिंग होगी और फोटो वगैरह भी क्लिक कराएंगे। तो गाइस अभी में हम लोगों का फोटो सेशन होना स्टार्ट हो गया है, मैंने क्लिक करा ली, दीदी ने क्लिक करा ली, अब ऋषभ क्लिक करा रहा है। तो गाइस अभी हम लोग की पार्टी कर लिया है, हम लोगों ने केक कटिंग कर लिया है, इतना कुछ नहीं करने वाले, डांस वांस करने का कोई मूड नहीं है, सिर दर्द हो रहा है बहुत कस के, अच्छा खासा सिर दर्द हो रहा है, तो अभी मैं फटाफट चेंज करके देन नीचे चलते हैं। तो गाइस आज के लिए मैं अपना आज व्लॉग ये यहीं एंड कर रही हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी मैंने खाना नहीं खाया पर वो खा के मैं सो जाऊंगी, थोड़ा बहुत लिखने वाला भी काम है वो भी कर लूंगी, पर अभी आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही ब्लॉग, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।